सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बहुत समय के बाद अब कोई ब्लॉग बना रहा हूँ। अप्रॉक्स 7 to 8 month हो गए उसके बाद एक ब्लॉग बना रहा हूँ। रीज़न क्या था, बीच में बहुत टफ टाइम चल रहा था, कोविड भी हो गया था और भी कई चीज़ें थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। बट फाइनली काफ़ी समय के बाद हम लोग ने प्लान किया किसी ट्रिप पर चलते हैं। और अभी हम लोग हैं जिम कॉर्बेट में, परसों आए थे लेकिन कल कुछ शूट नहीं किया, कल कोई वीडियो नहीं बनाया, बस रिलैक्स किया। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम जाएंगे कॉर्बेट वाटरफॉल, उसके बाद फॉरेस्ट से होते हुए हम लोग निकलेंगे नोएडा के लिए। सो फिलहाल यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ के बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सही प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे और यहाँ पीछे रिवर है, कल हम लोग वहाँ पे गए थे, बहुत सही व्यू आ रहा था, काफ़ी रिलैक्सिंग फील हुआ। चलो अब निकला जाए। तो अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे गाड़ी पंचर हो रखी है, उसको मज़ा आ रही है। ये रोकेगा नहीं अभी। फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब मैं आपको मिलवा देता हूँ भाई लोगों से। तो ये है योगी भाई और उसके बाद पीछे है अमित। हेलो भाई, आज है इंडिपेंडेंस डे और आज घूमने का मजा ही अलग आएगा यार। कहीं पे फ्लैग लेना भाई, कहीं पे फ्लैग मिलेगा तो फ्लैग लेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम तीनों ही लोग एक साथ ही स्कूलिंग की थी, हम तीनों लोगों ने केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर से स्कूलिंग की थी। स्कूल में भी ट्रैकिंग करते थे, स्कूल में भी ट्रैकिंग करते, बाउंड्री वॉल फॉल, टीचर ट्रैकिंग करवा देता था, आज भी ट्रैकिंग ही कर रहे हैं। जाली बाउंड्री ये सब रोक नहीं पाते, सब रोक नहीं पाती थी। पूरा सीमा पुराने पापी हैं। और ये देखो कितना सीधा आदमी है, देख रहे हो? पंचर ना जमीन में छू जाए। नहीं 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 नहीं, तुम ट्यूबलेस है ये गुरु। हाँ ट्यूबलेस है, इसलिए हम बोल रहे हैं। इनको लोग आगे हम गाड़ी चला रहे हैं ना बुलेट, तो हमको पता है ट्यूबलेस का असर क्या हो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं जिम कॉर्बेट के अंदर। ये देखिए सफारी फारी के लिए, राफ्टिंग के लिए, सब चीज इसके अंदर ही है यहाँ पे। यहाँ पर अभी पूरे पॉइंट्स नहीं खुले हैं टूरिस्ट के लिए, 2 या 3 पॉइंट ही ओपन है क्योंकि बरसात का मौसम है और नवंबर दिसंबर से यहाँ पे सारे पॉइंट ओपन हो जाएंगे। सफारी जो कराते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, सो बेटर रहता है क्योंकि यहाँ इंस्टेंट उसी समय आएंगे। और इस समय क्या है कि सैटरडे संडे वीकेंड था, आज इंडिपेंडेंस डे भी है, सो इसकी वजह से रश बहुत ज्यादा है। जो कि हम लोगों ने नहीं करा था, क्योंकि हमारे साथ कुछ जीनियस इन्होंने प्लान, पूरी ट्रिप प्लान कर ली बट ये नहीं प्लान करा कि सफारी की बुकिंग कर ले। सफारी कैसे होगी, बट दे हैव अ KLPD KLPD या सफारी होगी आज, वो भी कम हवा वाले टायर तो मतलब लगने वाली है फ्रेंड्स। नहीं लेकिन हम लोग वहां जाने वाले हैं कि जहाँ पर ना उसने बोला है कि आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। और यार ये भी तो जंगली सफारी है, हो सकता है कभी कोई हाथी आ जाए सामने। देखो बंदर आ रहा है, देखो बंदर आ रहा है, वो हो गई असली सफारी। देखो जंगली बंदर भी खार था। इसको बोले कि आगे पीछे चलाओ जरा, थोड़ा फीलिंग आती है भाई। दुनिया में ना कोई भी गाड़ी देख लो लेकिन जो इंडियन आर्मी का ट्रक निकलता है ना, उसकी जो फीलिंग है अलग ही है। जब तुम पटनी टॉप चलोगे ना तो मजा आ रहेगा, वहां पे आर्मी आर्मी है चारों तरफ, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ से पानी आता होगा ना भाई, क्या मस्त व्यू है यहाँ से देखो। तो अभी हम लोग जिम कॉर्बेट से निकल चुके हैं और आगे अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान धाम, जो यहाँ से 5 किलोमीटर है। बट यार मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है यहाँ पर, सफारी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप लोग चाहें ऑनलाइन बुकिंग नहीं करिए तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट वही है कि थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा रहती है इन लोगों की, निगोशिएट करके कर सकते हैं। व्यू बहुत ही तगड़ा है, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी चीज़ है मौसम जो है ना, उसने समा बांध दिया है। कल हम लोग इसीलिए कुछ नहीं किए, रेस्ट किए पूरे दिन। लोकल में एक रिवर थी वहाँ पर गए थे हम लोग, काफ़ी देर बैठे। और पूरा जिम कॉर्बेट एकदम फुल था, मतलब इतना ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। एक तो वीकेंड, ऊपर से इंडिपेंडेंस डे। खड़े होके हमने वहाँ पे RT-PCR रिपोर्ट बनाई, ई पास में हमारे खड़े होके कैसे बना लिया RT-PCR तुमने, खड़े होके ऐसे बनाई तुमने। चलो ई पास हमने भरा था खड़े होके, और ई पास में सुनो ID में इन्होंने क्या डाला था, किस चीज का है? सकुआ। इससे मैच बॉक्स बनता है ना? पलंग बनता है, बैट वगैरह के लिए, बैट वगैरह। और इसके पत्तों में बड़े वाले पत्ते होते, दोना बनता है, दोना वो जो पहले चलते थे। आजकल तो भाई आजकल तो वो प्लेटें भी बंद हो गई हैं, कहीं 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 हैं वो। पानी पूरी लेते यार, उसी में मजा आती, पता नहीं। हाँ पान का पत्ता उसी में देगा। और योगी का एक प्यार और भी है, जम्मू कश्मीर का है, पटनी टॉप, पटनी टॉप कटरा
उसके बाद अम्बाला चंडीगढ़। अबे उस दिन पराठे खाने के लिए भाई मूर्थल का बोला था, कहाँ ले गया था? करनाल है, दाल मखनी, नीलकंठ। मैंने जीवन में से दाल मखनी नहीं खाई थी, और मिस्सी रोटी पतली करारी पतली करारी। उस दिन तो तुम यार कह रहे थे बहुत ही बेकार खाना है, और आज तारीफ तुम भी पलट गए। मतलब वीडियो बन रहा था तो हमने भी सोचा झूठ बोल के थोड़ा अपना अच्छा कर दे, स्किल दिखा दे। अबे वीडियो के लिए दोस्तों को सच्चाई दिखानी होती है, थोड़ा सा फेक बनना पड़ता है। हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बोलते तो यूपी खड़ी बोली है वैसे हम लोग। सही है सही है, जेई साहब जो है दिमाग से खेलते हैं, उसे पता है ना गाड़ी कौन चला रहा है। हाँ, जगह का नाम बेइज्जती था। अबे जूती से याद आया, से पूछो कहाँ रही थी बेइज्जती में। ये देखिए जंगली बंदर, जंगली बंदर खूंखार होते हैं, ग्रुप में शिकार करते हैं। हम लोग शहरी बंदर है, हम लोग भी ग्रुप में चलते हैं, अकेले नहीं चलते हैं। हनुमान धाम बचा 500 मीटर, इधर मुड़ना, मुड़ो, महंगी गाड़ी है भैया, बड़े लोग हैं, बड़े भी है और शौकीन भी। कल बहुत बढ़िया प्लान था, और आज फिर पलट गया, फिर पलट गया। व्लॉग बनना था ना यार, व्लॉग में असलियत दिखानी पड़ती है। असलियत वो झूठ बोलना है, तुम असलियत दिखा रहे हो, करना क्या चाह रहे हो ये बताओ। अपना अपना हुनर है, जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये नेता बनेंगे। सुनो सुनो देखो सुनो, जब भी मैं इसको देखता था मुझे लगता था ये मंदिर से आ रहा है। भाई 2 दिन से रेगुलर ना आ रहा है, टीका अभी भी लगा हुआ है, समझ रहा है? इसने पेंट कराया है, उसके बाद इसने बोल दिया परमानेंट हो गए। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर, और मंदिर में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर ये शॉप वगैरह है, तो जहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। चलते हैं अभी अंदर, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी मार्किंग की हुई है, फॉलो कोई नहीं करता है। भाई बहुत गर्मी है यार, लेकिन दर्शन अच्छे हो गए, मंदिर अच्छा बना है। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर अंदर से खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब सबसे पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ खाते पीते, और उसके बाद वाटरफॉल। ये अनसेंसर्ड है भैया, तुम कहीं कह रहे थे लेकिन योगी को कह रहे थे ये काम दिया जाता है इनको, एक काम दिया था। हम लोग ने गाड़ी की सफाई का देखो क्या दशा कर रखी है। और देखिए जैसे कि ये विनय है हमारे, विनय सर जो कि गाड़ी में हवा डलाने गए थे। अब आइए असली रोड भाई, अगर ये हल्की मेरी वैगनार भी होती ना तो भी मेरे कोई दिक्कत नहीं थी, तेरी वाली होती कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा लो फ्लोर है बे इसका ना, क्लीयरेंस बहुत ऑफ रोडिंग तो ना ही करे तो अच्छा है बे। अरे अबे ये भाई इसी में तो मजा आता है। एक वीडियो पड़ा है जेसीबी की खुदाई का, तुम देखना एक बार, उस पे व्यूज कितने, तुम भी देखते हो। हमारा तो यही काम ही नहीं पूछती जब घर की तो यही होती है। तो फिलहाल वाटरफॉल अभी क्लोज है, फिर ये बात साबित हो गई कि विदाउट रिसर्च या विदाउट इंफॉर्मेशन आना सबसे गलत होता है। बंद है भाई। तो ये है सामने कॉर्बेट वाटरफॉल, और अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर लंच करने के लिए। तो फाइनली हम लोग का लंच आ गया है, और फिर यहाँ से खाते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक जगह पे बात की हुई है परमिशन के लिए, सो इनकेस अगर परमिशन मिल जाती है तो हम लोग जाएंगे अंदर, और नहीं मिली तो बैक टू दिल्ली। बढ़िया यार। तो हम लोग ने जो बात की थी एंट्री के लिए वो नहीं पॉसिबल हो पाया है भाई, योगी भाई। तो अब चला जाए डायरेक्ट नोएडा या कहीं और, बैक टू पवेलियन। बट फिलहाल घूमने में काफी मजा आया, मतलब हाँ एक बंदे को हमने परेशान करा दुखी करा, उसका वन विभाग का होने के बावजूद वो अंदर नहीं जा पाया। जैसा कि आप लोगों को विनय भाई ने बताया, हम लोगों ने बात करी थी किसी से जिसको कि हिंदुस्तानी भाषा में जुगाड़ कहते हैं, कनपुरिया भाषा में कहते हैं सेटिंग, तो ना ही तो हमारा जुगाड़ लग पाया और ना ही सेटिंग, वो भी एक बेवकूफ इंसान के पीछे जिसको कि हम लोगों ने थोड़ी दूर खदेड़ा भी, और बचपन की आइस पाइस की याद आ गई। हमारी गाड़ी आगे जाती थी वो डबल आगे होता था, फिर हम थोड़ी आगे लेते और थे, फिर वो और आगे, हमने अपनी गाड़ी छुपाई तो वो लौट के भाग के ऐसे आया जैसे हमने ढप्पा मारना हो। सो फाइनली अब हम लोग वापस अपने नोएडा कर्म भूमि, ये हमारी मस्ती भूमि थी, जन्मभूमि कानपुर है। हाँ देख रहे हो क्या मस्त व्यू आ रहा है। अभी हम लोग हैं काशीपुर, अभी यहाँ से अपने को लगने वाला है अप्रॉक्स 2 घंटे, एक जगह हम लोग जा रहे हैं वहाँ के लिए।
काशीपुर भी यार अच्छा है, मतलब इसमें ना हल्का फुल्का पहाड़ों का टच है। ये क्या है, पुराना कोई पावर प्लांट लग रहा है ये तो, है ना, इंडस्ट्री बंद है। अभी हम लोग चल रहे हैं काशीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहाँ से ठाकुर द्वारा बचा हुआ है 5 किलोमीटर। उत्तराखंड में मेन इंडस्ट्री आई थी जब वो डिवीजन हुआ था ना, उसके बाद, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी स्कीम कर दी थी कि भाई टैक्स फ्री कर दिया था। अब यूपी 4 साल के लिए ये जाता है अमरोहा, 7 किलोमीटर अमरोहा इधर है और अपने को जाना इधर। तो अभी हम लोग धनोरा से निकल लिए, रिलेटिव के यहाँ गए थे, वहाँ पे मिलके आए, और अब हमको कितना टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 2 घंटे लगेंगे। यहाँ से जाएंगे गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर से हापुड़ होते हुए सीधे नोएडा। यहाँ अभी फिलहाल तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। एक जगह नाका लगा हुआ था जिसको कि क्रॉस करना नामुमकिन था, वहाँ पे हमारा करीब करीब 1.25 घंटा खराब हुआ, क्योंकि हम लोगों को उसी टाइम तत्काल में RT-PCR करवानी पड़ी। स्टोरी की आपको पहले पता होना चाहिए कि मेन चीज ये थी ना कि जैसे हम लोग वाटरफॉल पे गए, यहाँ पे कॉर्बेट वाटरफॉल, अब वहाँ पर क्या था उसका ये कहना है कि जून पे ये बंद हो जाता है, और उसके बाद सारे जितना भी रेनी सीजन है ना उस समय बंद रहता है, नवंबर में दोबारा खुलेगा, बट वो क्या स्पेशल परमिशन लो तब अलाउ करते हैं, अभी वो हमारा ड्रामा हो गया उसका, नहीं तो हमें भी मिल जाती। बट फिलहाल ओवरऑल बहुत एंजॉय किया, कल सबसे ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि कल हम लोग ने रेस्ट किया, थोड़ा बहुत इधर उधर लोकल साइट सीइंग करी, जैसे कि वहाँ पे एक रिवर थी वहाँ गए थे। 2 दिन की शॉर्ट ट्रिप के हिसाब से जिम कॉर्बेट बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। हाँ, उसके पास में बहुत सारे अदर प्लेसेस भी हैं जो भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, और खुद की गाड़ी से अगर है तो फिर तो आप कई जगह पे वहाँ पे घूम सकते हैं पास। एडवाइस ये करेंगे, लो फ्लोर गाड़ी लेके इस रूट पे ना आए, SUV प्रिफर करें, थोड़ा जो गाड़ियां जस्ट लाइक वरना। बट एक चीज है, ये इस तरह की रोड अपने को पूरे टाइम मिली है, बट कुछ जगह पे जैसे जहाँ पे ऑफ रोडिंग वो थी वहाँ इश्यूज थे अपने लिए। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आरती हो रही थी, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, और वो हो रही है सामने आरती। फाइनली हम लोग आ गए नोएडा में। भाई जब से ये एक्सप्रेस वे बना है ना तब से सही हुआ, नहीं तो उससे पहले जब यहाँ से ऑफिस जाते थे ना 63 में, इतना भयंकर ट्रैफिक जाम होता था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, इसमें अलग फीलिंग आती है भाई। सो फाइनली टाइम हो रहा है 9 और मैं आ गया हूँ घर पे, और अमित और योगी चले गए हैं दिल्ली के लिए। सो फाइनली आज की ट्रिप ये कंप्लीट होती है, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन जल्दी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं हम लोग, जाने वाले हैं एक ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए, कहाँ जाने वाले वो सब आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।